गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, 10 जनवरी 2021 यानी कि ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो निकल चुकी है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आज और आज के बाद अगर हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो कितनी लेट फीस आपको पेमेंट करनी होगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 10 जनवरी 2021 जो ड्यू डेट थी वो किनके लिए थी। वो थी वैसे बिजनेसमैन या फिर वैसे सैलरीड क्लास जिनका ऑडिट नहीं होना था, यानी कि नॉन ऑडिट केस के लिए जो ड्यू डेट रखी गई थी वो 10 जनवरी 2021 है। अगर आपका ऑडिट होना है या फिर आप ऐसे फर्म में पार्टनर हैं जिस फर्म का ऑडिट होना है तो आपकी लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए 15 फरवरी 2021। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करने की जो डेट है वो है 15 जनवरी 2021। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि जिस भी बंदे का आप फाइलिंग करते हैं वो ऑडिटेड है या फिर नॉन ऑडिटेड है। अगर ऑडिटेड है तो कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी, लेकिन अगर नॉन ऑडिटेड है तो आपको लेट फीस का कैलकुलेशन जो है बहुत ही सावधानी से चेक करना होगा, क्योंकि यहां पर जो है एक स्लैब का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेट फीस क्या लगेगी और पोर्टल पे किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो जानने से पहले आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 9 और 9C से रिलेटेड ऑर्गेनाइज किया गया है 24 जनवरी 2021 को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन रहेगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीट्स जो हैं वो लिमिटेड है और 9 और 9C टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है लोगों के लिए। तो नंबर्स जो स्क्रीन पे दिए गए हैं इन पे आप कॉल करके अपनी सीट्स जो है बुक करा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि आज के बाद आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या लेट फीस लगेगी। ये मैंने ओपन करा है ऑनलाइन पोर्टल और इसके अंदर यहां पर आप देख पा रहे हैं इनकम डिटेल्स जो है वो यहां पर दिखाई जा रही है। यहां पर आप देखेंगे तो सैलरी जो है हमने यहां दिखा रखी है अभी फिलहाल 4,99,000 रुपीज। अब जैसे ही आप 4,99,000 रुपीज दिखाएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको 50,000 का, तो जो आपका नेट इनकम यानी कि टोटल इनकम बना वो बना 5,00,000 रुपए से कम, तो लेट फीस अंडर सेक्शन 34F जो है वो 1,000 रुपीज बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका टोटल इनकम, अब टोटल इनकम में से कौन कौन सी फिगर्स को कंसिडर करना है वो एक बार समझेंगे। टोटल इनकम अगर 5,00,000 से कम है तो लेट फीस बनेगी 1,000 रुपए। अब लेट सपोज आपकी सैलरी थी 6,00,000 रुपए की, आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया है 1,50,000 रुपए का, तो आपका जो टोटल इनकम है वो हो जाएगा 4,50,000। लेट फीस जो डिटरमाइन होगी वो डिटरमाइन होगी इस टोटल इनकम ऑफ 4,50,000 रुपए के ऊपर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इनकम टैक्स के पोर्टल पे ये चीजें कैसे वर्कआउट होंगी। यहां पर मैं डालता हूं 6,00,000 रुपीज ऑफ सैलरी। अब यहां पर जो हमारा लेट फीस बनेगा तो आप देखेंगे यहां पर आ गया 10,000 रुपए। क्यों 10,000 रुपए? क्योंकि जो नेट इनकम है, जो टैक्सेबल टोटल इनकम है वो है 5,50,000 रुपए का। अब इसको अगर हम लोग 5,00,000 से नीचे ले आते हैं तो ये जो लेट फीस 10,000 की है ये रिड्यूस हो जाएगी और ये हो जाएगी 1,000 रुपए पे। तो उसको नीचे करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए आपको यहां पर डिडक्शन अगर आपका ATC का है 1,50,000 रुपए का तो वो आप क्लेम कर लीजिए। तो अब आप देखेंगे जो आपका टैक्सेबल टोटल इनकम है वो है 4,00,000 रुपए का, अब लेट फीस बनेगी 1,000 रुपए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि 1,000 रुपए और 10,000 रुपए इस दोनों के स्लैब में डिफरेंस 5,00,000 रुपए का है। अब देखिए एक्ट इस चीज में क्या कहता है। ये कहता है कि वेयर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फेल्स टू डू सो विदिन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेड सेक्शन ही शैल पे बाय वे ऑफ अ फी अ सम ऑफ 5,000 रुपीज इफ द रिटर्न इज फाइल्ड ऑन और बिफोर 31st डिसंबर
₹10,000 इन एनी अदर केस। तो कहने का मतलब है ये जो एक्ट बनाया गया है इसमें ये चीजें बताई गई हैं। लेट सपोज आपका ड्यू डेट था 31 अगस्त 2020, आपने 31 अगस्त तक फाइल नहीं करी। अब आप 31 अगस्त 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक अगर फाइल करते तो आपकी लेट फीस होती ₹5,000। 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक आप करेंगे तो आपकी लेट फीस होगी ₹10,000। तो ये ₹5,000 वाला जो स्लैब है वो कहां गया? वो अब आपको इसीलिए नहीं दिखेगा क्योंकि 31 दिसंबर तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी जिसे फर्दर एक्सटेंड किया गया था 10 जनवरी 2021 तक। तो 31 दिसंबर तक जो बात थी ₹5,000 वाली वो अब आप भूल जाइए। अब आपको या तो ₹1,000 लगेंगे या फिर सीधा ₹10,000 लगेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जो ITR है वो आप 31 मार्च 21 तक भर सकते हैं विथ लेट फीस। इसके बाद आप भर भी नहीं पाएंगे विदाउट लेट फीस या विथ लेट फीस, ये आपको पोर्टल अपलोड ही नहीं करने देगा। ₹1,000 किन केसेस में लगेगा वो बताया गया है। इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से नहीं ऊपर है, द फी पेएबल शैल नॉट एक्सीड 1000, चाहे वो कोई भी केस बनता हो। अगर 5 लाख से कम है, लेट सपोज आप मार्च में फाइलिंग करते हैं लेकिन आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपकी जो लेट फीस होगी वो मात्र ₹1,000 की रहेगी। तो इस तरीके से अब इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो लेट फीस कैलकुलेट कर रहा है ₹1,000 और ₹10,000 के लिए। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो जल्द से जल्द फाइलिंग कर लीजिए, ₹1,000 की लेट फीस के साथ आपकी फाइलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये लेट फीस का कॉन्सेप्ट और लेट फीस किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है इनकम टैक्स पोर्टल पे ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर रखी होगी, अगर कर रखी है तो आपको जनवरी महीने का जो हमारा सॉफ्ट कॉपी है और हार्ड कॉपी है वो लगभग सारे लोगों को मिल चुका है। अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है तो ईमेल तो मिल ही गई होगी, हार्ड कॉपीज 1 से 2 दिनों में रिसीव हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी मंथली टैक्स मैगजीन की कॉपीज जो है वो सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिसमें हमने मंथली टैक्स अपडेट्स जो कि दिसंबर महीने और जनवरी महीने के अंदर न्यू रिटर्न स्पेशल कवरेज, रूल 86B, रूल 36(4) और चेंजेस इन GST रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपके लिए दिए हैं। तो कॉपीज बुक करने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।